हिमाचल डिफेंस वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से आदर्श सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल मंडी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत राष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला भाषा अधिकारी रेवती सैनी मुख्य अतिथि व चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से रीता ठाकुर ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। बालिका दिवस के उपलक्ष्य पर बेटियां भी हैं देश का गौरव विषय पर भाषण व स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें भाषण प्रतियोगिता में कोमल ने प्रथम, दामिनी ने दूसरा व कामिनी ने तीसरा तथा स्लोगन राइटिंग में सुरभि ने प्रथम, अंजलि ने दूसरा व यामिनी ने तीसरा स्थान हासिल किया। मुख्य अतिथि रेवती सैनी ने गर्ल्स को बालिका दिवस के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज बेटियों को बचाने के लिए हर तरह से सरकारों की ओर से भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। बेटियों को भी यह सार्थक करना होगा कि बेटियों को बचाया जाए, उन्हें पढ़ाया जाए तो वह भी देश व समाज के प्रति अपनी अहम भूमिका अदा कर सकती हैं और कर भी रही हैं। यही सोच को बदलने की आज समाज को भी आवश्यकता है। जैसे लोहे की कोई चीज होती है घर में रखी जाती है और सोना भी होता है, तो किस चीज को संभाल के रखा जाता है? तो उसी तरह बेटियां जो है सोने के समान है। वेदों से लेकर महाकाव्य तक जो है कन्या को पूजनीय माना गया है और ये सभी जानते हैं कि कन्या हमेशा पूजा की वस्तु है, वस्तु पूजा के लिए पूजनीय है। और जैसे हमारी दुर्गा माता है, नवरात्रों में दुर्गा माता की कितनी पूजा की जाती है, तो उस दौरान जो है कन्या की भी पूजा की जाती है। परंतु धीरे धीरे ये बदलाव आता गया क्योंकि लड़कियां भी खुद वैसी नहीं रही, वो संस्कार उनमें नहीं रहे। क्यों नहीं रहे ये संस्कार? क्यों हो जाती है कि हम अपने माता पिता से या अपने बुजुर्गों के जो नक्शे कदम उनसे हटकर चले, क्यों गलत करें? अगर हमने हटकर चलना है तो वो है कि हम जो है कुछ अचीव करें, कुछ नया करें, पढ़ लिख के कुछ बड़े बने, कोई नया आयाम हासिल करें। उसमें ये नहीं है कि हम लड़कों की बराबरी गलत बातों में करें कि नशा कर रहे हैं लड़के तो हम कोई कम नहीं है, हम भी उनके बराबर हैं। तो बराबरी हमें गलत बातों में नहीं करनी है, हमें बराबरी जो है अच्छी बातों में करनी है। पढ़ लिख करके दिखाना है कि हम अच्छे पद पर पहुंचे, हम नेता बने, हम टीचर बने, हम जो है डॉक्टर बने या कुछ और बड़ा पद हासिल करें, तो उसमें बराबरी करनी है। वही चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की रीता ठाकुर ने लड़कियों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों तथा उनकी सुरक्षा के लिए बने नियमों के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि लड़कियों को अपने अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में पता होना बेहद जरूरी है, तभी वे भविष्य में अपने को सुरक्षित, समर्थ तथा सशक्त बना सकती हैं। लड़कियां आज अपनी राह से भटक कर अन्य रास्तों को अपनाने में ठगी जा रही हैं। उन्हें अपने रास्ते पर अड़िग होकर चलना होगा, वही कदम समाज व देश के निर्माण के लिए सशक्त कदम होंगे। एसोसिएशन की अध्यक्षा आशा ठाकुर ने बताया कि लड़कियां व महिलाएं ही आज सशक्त होकर उन सामाजिक बुराइयों को दूर कर सकती हैं जिससे समाज खोखला होने की कगार पर खड़ा हो गया है। नशे की गर्त में लड़कियां भी धकेली जा रही हैं। उन्होंने लड़कियों से आह्वान किया कि इन बुराइयों को जड़ से उखाड़ने के लिए अपनी अहम भूमिका अदा करें और एक संकल्प व संस्कारों के साथ आगे बढ़ें ताकि समाज व देश का बेहतर निर्माण हो सके। इस मौके पर मुख्य अतिथि रेवती सैनी ने विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और इस मौके पर स्कूल प्रधानाचार्य नरेश राणा, एसोसिएशन की सचिव सरिता बबली, अंजना, नीतू, अंजू व अन्य स्कूल स्टाफ उपस्थित रहे। आज 24 जनवरी का दिन है और इसे बालिका दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और इसका जो एक अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसी के अंतर्गत इसको भी मनाया जा रहा है। जैसे कि ये हमारा मंडी में जो गर्ल्स स्कूल है इसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान था जिसे हमें मनाने के लिए यहाँ पे उचित समझा। और हमारे बीच में जो हमने आज मुख्य अतिथि बुलाए थे वो थे डीएलओ मैडम और दूसरे थे CWC से मैडम, जिन्होंने बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक जो एक प्रेरणा दी, बहुत ही बच्चियों के जो काम के भविष्य के लिए उनके काम आने वाली है वो उन्होंने आज इन बच्चों के बीच में शेयर किया। और इसके साथ ही हमने एक प्रतियोगिता भी रखी थी जिसमें भाषण था बच्चियों के ऊपर की, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर,
और दूसरा स्लोगन राइटिंग थी, तो उसमें बच्चों को कॉम्पिटिशन करवाया गया और इन्हें प्राइज भी वितरित किए गए मुख्य अतिथि द्वारा। और इसी के साथ मैं गर्ल्स स्कूल के प्रधानाचार्य और स्टाफ का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने आज ये मौका हमें यहाँ पे दिया, हिमाचल डिफेंस वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन को और एसोसिएशन अपने जो सभी मेंबरों के साथ यहाँ पर आकर के बालिका दिवस के रूप में आज का दिन मनाया।